हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच आज से मैं डाल रहा हूँ टाइगर विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे। ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्टार्ट मैंने कर दिया था, आज तीसरा दिन है ज्योग्राफी ऑप्शनल एडमिशन चल रहे हैं। आज से हिस्ट्री ऑप्शनल में एडमिशन प्रारंभ हो रहा है। हमारे यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल की फैकल्टी के रूप में सत्यन त्रिपाठी सर हैं। पिछले दिनों उन्होंने कुछ क्लासेस हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए लिए थे, चैनल पर आपने देखा होगा। तो आज से एडमिशन प्रारंभ हो रहा है, यानी आज 21 नवंबर से लेकर 24 नवंबर यानी 22, 23 और 24 आपके पास 3 दिन है। इन 3 दिनों में आप एडमिशन लेंगे। उसके बाद 25 का समय हमें चाहिए टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए। 26 तारीख से आपको ऑनलाइन क्लासेस हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की मिलने लगेंगी। कोर्स की अवधि है 6 महीने, बाकी बातें आपको सत्यम त्रिपाठी सर आपको बताएंगे। कोर्स की अवधि 6 महीने तक के लिए है, 6 से 7 महीने में हिस्ट्री ऑप्शनल खत्म होगा और डेली 1.5 घंटे की क्लासेस चलेंगी। कुछ बातें मैं बता दूं, बाकी सत्यम त्रिपाठी सर अभी मैं बुला रहा हूं और वो आपको बताएंगे। तो आज से एडमिशन प्रारंभ हो रहा है और अगले 3 दिन तक एडमिशन चलेगा, यानी 24 तक आप एडमिशन लेने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आप फीस पे करेंगे 24 तारीख तक, फी पे करने के बाद आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा हमारे वेबसाइट का। आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जैसे ही इंटर करेंगे, आपको हमारे बैचेस में सभी क्लासेस बारी बारी करके दिखाई देने लगेंगे। क्लासेस डेली शाम को आपको 8 से 9 बजे या मतलब शाम को ही मिलेंगे, शाम 8 बजे के बाद ही क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस सप्ताह में 6 दिन चलेंगी, रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिन आप इन क्लासेस को देख पाएंगे। मैं बुलाना चाहूँगा सत्यम त्रिपाठी सर को, आइए सर। बाकी बातें आपको सत्यम त्रिपाठी सर बताएंगे क्योंकि इन्हीं से आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना है। प्रोग्राम के भाग क्या क्या हैं ये भी सर आप बता दीजिएगा कि जैसे भी प्रोग्राम चलाना है इसको, जिन बातों पर हम लोग निश्चित हुए हैं, तय हुए हैं, वो सारी बातें आप बताइए, ठीक है। एडमिशन के लिए आपको मैं एक नंबर दिखा दूं कि आप एडमिशन कैसे लेंगे। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हिस्ट्री ऑप्शनल लिखकर भेजेंगे तो आपको हिस्ट्री ऑप्शनल बैच की एडमिशन प्रक्रिया बताई जाएगी। वो सभी बातें यहाँ पे आपको पता चलेंगी जो आप अभी जानना चाहते हैं। तो कुछ भी जानना है तो आपको इस पर हिस्ट्री ऑप्शनल लिख के भेजना पड़ेगा, व्हाट्सएप करिए हमें, यहाँ पे टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी। सर, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के जो प्रतीक्षित डिमांड थी कि हिस्ट्री ऑप्शनल भी शुरू किया जाए, तो आज से इस इंस्टीट्यूट में हिस्ट्री ऑप्शनल की शुरुआत हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमने आपको क्लास में ही बताया था, जो पब्लिक क्लास गई थी, कि हिस्ट्री ऑप्शनल चुने आप और हमारे साथ क्यों पढ़ें, क्यों हिस्ट्री ऑप्शनल को आप चुन करके अपने लक्ष्य के प्रति निश्चिंत हो सकते हैं। तो हम आज की क्लास में एक बार फिर इन बातों को रखेंगे कि देखिए, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विषय, चाहे वो कोई भी कमीशन रहा हो, जहां ऑप्शनल हो, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलर विषय रहा है, सबसे ज़्यादा प्रतिभागियों की संख्या हिस्ट्री में रही है ना। तो निश्चित रूप से उसके पीछे कारण यह है कि उसका सक्सेस रेट अच्छा रहा है। दूसरी चीज, किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी स्टूडेंट्स हो तो वो स्टूडेंट उसको ऑप्ट कर सकता है, क्लियर है। खास करके यूपी पीएससी की अगर हम बात करें तो यूपी पीएससी में 2 बहुत पॉपुलर विषय अभी रिसेंटली 2-4-6 सालों में काफी हिट हुए थे, डिफेंस और सोशल वर्क, वो ऑप्शनल्स हटा दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से उन बच्चों के पास एक ये रहेगी कि एक नई चुनौती रहेगी कि वो नया विषय कौन सा लें, तो वो भी हिस्ट्री ऑप्शनल को बेहतर ढंग से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो डिफेंस स्टडीज में पढ़े हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में, कुछ एंशियंट हिस्ट्री के सेक्शन में आ सकता है, और जो सोशल वर्क का नेचर है, सोशल वर्क का नेचर भी आप देखेंगे तो इतिहास से मिलता जुलता है। तो उन लड़कों के लिए भी एक मैसेज है कि वो चाहें तो इतिहास विषय को ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, इतिहास विषय में 2-3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक बार इसको देखते हैं तो परिवर्तनीयता इसमें अन्य विषयों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो कम होगा, कम है।
एक बार ने आपने विषय को तैयार कर लिया तो आप बेहतर ढंग से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, प्रायः इसकी लंबाई को लेकर के लोग बहुत कहते हैं सर बहुत लंबा है बहुत लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपिक हैं इन टॉपिक में अंतर संबद्धता है, इंटरकनेक्टिविटी है। दिक्कत तब होती है जब आप अंतर संबद्धता को नहीं जानते। जब आप विराट पाषाण युग पढ़े, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उस इंटरकनेक्ट की कनेक्शन ना होने की वजह से आपको लंबा दिखाई देता है। सिलेबस को आप लोग माइन्यूटली स्टडी करिए, हर एक सिलेबस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ना है तो वो डायरेक्शन आपको पता हो, इंटरकनेक्टिविटी पता हो, तो ये जो लंबा आपको बहुत दिख रहा है वास्तव में उसे बहुत शॉर्ट किया जा सकता है। तीसरी चीज, आप सभी लोग तथ्यों से बहुत परेशान होते हैं कि सर तथ्य परक है। वास्तव में मेंस में तथ्य की जरूरत ही नहीं है। जितना आप पीटी में जीएस के लिए तथ्य जानते हैं उसका अगर 30% तथ्य भी जान रहे हैं, 30% तथ्य भी जानते हैं, तो उन तथ्यों के साथ आप इतिहास लेखन बेहतर कर सकते हैं, और वह भी उस कंडीशन में जब आप इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ आप देखेंगे इंडियन कल्चर का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ये जीएस में है, तो एक अच्छा खासा सेक्शन जीएस और क्या कहते हैं कि हिस्ट्री का जो ऑप्शनल का पार्ट है वो जीएस में भी पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वहां आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और प्रीलिम्स के स्तर पे अगर आप जो तथ्य जानते हैं उस तथ्य का 30% हिस्सा भी आप जानते हैं तो उसके हिसाब से मेंस की राइटिंग लिखी जा सकती है। ठीक है, अब बात आते हैं स्कोरिंग और सक्सेस रेट पे। बहुत आसानी से अगर आपने वैज्ञानिक इतिहास लेखन किया है तो निश्चित रूप से इतिहास में यूपीएससी स्तर पे अगर आप बात करें तो बहुत आराम से 50-60% नंबर पाए जा सकते हैं, लड़के पाए हुए हैं। और यूपीपीएससी में अगर आप बात करें तो 70-75% तक नंबर रहा है ना। कुछ लोग आपके अगल बगल आप देखेंगे कि 50% से भी कम नंबर पा जाते हैं यूपीपीएससी में या स्टेट लेवल पे, या यूपीएससी में कहिए कि 30% पे ही अटक गए, तो निश्चित रूप से उन्हें तो जरूर इस कोर्स को करने की जरूरत है कि कम से कम वो जाने कि उनके लेखन में और जो हमारे लेखन में जो अंतर है, क्या बेसिक अंतर है, उस अंतर को जो है समझे जाने। तो निश्चित रूप से आप इस जो 30% वाले जो टारगेट है, जो यहां 30-40% का टारगेट लोग अचीव कर रहे हैं और यहां 50% तक अचीव कर रहे हैं, तो वो देखें कि आखिर में क्यों वो इस स्लॉट में हैं, इस स्लॉट में कैसे आ सकते हैं। क्लियर, ये कुछ सामान्य बिंदु हैं जो इतिहास ऑप्शनल को अगर आप लेते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं, कैसे वो इसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है, तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज नहीं रहिए, कुछ लड़कों के मार्क्स अगर कम है तो निश्चित रूप से लेखन के दृष्टिकोण में बहुत कमी है। और वैसे भी देखिए आप सामान्य बोलचाल में पढ़ते हैं ना कि क्या पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, होता क्या है कि पढ़ाई लिखाई में पढ़ाई तो चलती है लिखाई चलती ही नहीं है, और लिखाई डायरेक्टली एग्जाम में चलती है तो उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है और मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। क्लियर है, तो अब जो क्लास हमारी रहेगी या आपको क्यों इस क्लास को अटेंड करना चाहिए या इस क्लास का क्या प्लान है, उस प्लान के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जो भी ये क्लास डिजाइन की गई है उसके हिसाब से हम पहले लेवल पे देखिए हर एक टॉपिक पे 200-250 शब्द आपको लिखना है। तो अब वो जमाना गया कि आज के 8-10 साल पहले आप लोग क्या करते थे कि चलिए ठीक है 50-60% अगर आपने सिलेबस कवरअप कर लिया तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाते थे। अब स्थिति क्या है कि एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 सब सेक्शन उठा करके पूछते हैं, और एक एक टॉपिक से पूछेगा, दूसरा दूसरे टॉपिक से पूछेगा, तीसरा तीसरे टॉपिक से, या कभी कभी एक ही टॉपिक से 3 सवाल पूछ ले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के इस तरह के प्रश्न पत्र में इस बात की गुंजाइश रहती है कि वो क्या कहते हैं कि अधिकतम सिलेबस को कवरअप कर सकें। तो हम ये इतना जरूर ध्यान में रखेंगे कि सभी सिलेबस का जो एक एक बिंदु है सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, और कम से कम प्रत्येक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिससे कि आप
200 शब्द लिखने की क्षमता विकसित कर सके कम से कम, क्योंकि अधिकतम 200 से 250 300 पे ही रहता है। तो जो जब हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से एक तो उसके विभिन्न आयाम जो सिनॉप्सिस के स्तर पे रहता है उसकी चर्चा करेंगे, क्लास वर्क की बात हम कर रहे हैं, विभिन्न आयाम को डिस्कस करेंगे। और जब हम एक चैप्टर के विभिन्न आयामों को डिस्कस कर लेंगे तो उसी समय जो दूसरा चरण रहेगा वो ये कि हम आए हुए जितने भी यूपीएससी के प्रश्न हैं, यूपीएससी के प्रश्न और यूपीपीएससी भी इसमें इंक्लूड रहेगा, आप देखेंगे दोनों को कवर अप कर लिया जाएगा। या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे मान लीजिए कि कोई बीपीएससी का है वो अगर सोच रहा है तो उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट इसी में कवर हो जाएगा। तो आप इनके प्रश्नों को लिखा जाएगा, प्रश्नों की ड्राफ्टिंग किया जाएगा, साथ ही साथ जो नए प्रश्न आ सकते हैं, नए प्रश्न संभावित हैं, उन नए प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। ये आपको साथ ही पीडीएफ नोट्स के साथ दे दिया जाएगा कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तो रहा क्लास के बारे में चर्चा रहा। हर टॉपिक पे आपका जो प्रिंटेड नोट है वो पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा, प्रिंटेड नोट्स पीडीएफ फॉर्म में। और प्रत्येक फ्राइडे को, डेली नहीं, डेली आपके लिए भी उलझन रहती है और क्लास को डिस्कस करना भी आसान नहीं रहता है। जो हम एक हफ्ते की क्लास में या मंडे से लेकर के फ्राइडे तक की क्लास में जो भी बात करेंगे, या मंडे से थर्सडे तक, उसमें आप सारी प्रॉब्लम्स फ्राइडे को लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चंस और डिस्कस कर दीजिए, अपने क्वेश्चंस लाइएगा, और उसमें से जो सेलेक्टेड प्रश्न होंगे उन सेलेक्टेड प्रश्नों को हम लोग संडे को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। संडे का जो क्लास होगा, जो संडे का सत्र होगा, उन्हीं प्रश्नों का सत्र होगा। क्लियर है? तो यानी आपके भी प्रश्न, आपके भी जो जिज्ञासाएं हैं वो भी शांत होंगी, और साथ ही साथ जो प्रश्न आए हुए हैं उनका भी एनालिसिस होगा। तो अब आपने देखा कि टॉपिक से रिलेटेड प्रत्येक टॉपिक पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसके डिफरेंट आयाम को डिस्कस हमने किया, आए हुए प्रश्नों की चर्चा किया और प्रिंटेड नोट्स पीडीएफ में। अब आप देखेंगे जीएस की क्लास को मैंने अभी यूपीएससी को लगभग समाप्त किया है, 80% के आसपास सिलेबस वहां के खत्म हुआ है, और वहां के लड़के इस बात को अच्छे तरह से जानते हैं, वो भी आपके बैच में होंगे, जानेंगे कि वहां हमने इसी फॉर्मेट को क्या किया है, कवर अप किया है। क्लियर है? इसमें नया क्या होगा कि संडे को हम लोग चाहेंगे कि ऑनलाइन भी आपसे मुलाकात हो, देखा जाए कि उन प्रश्नों को जो आपको उठाए जा रहे हैं उस पर आप के क्या त्वरित प्रतिक्रिया है, और डायरेक्ट जो मुलाकात है उसमें भी होगी। तो ये हमारे जो क्या कहते हैं कि क्लास की जो रूपरेखा है वो यही होगी। और इस चरण में आपको जाहिर सी बात है कि इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, आप इसको पढ़ेंगे तो हर एक टॉपिक पे आपकी समझ बनेगी, आपका परफॉर्मेंस और बेहतर होगा। आज के इस वीडियो में भी हमने सिलेबस को अटैच किया है और अनुशंसित पुस्तकों की चर्चा किया है, ठीक है? बहुत लिमिटेड प्रश्न हमने आपको, लिमिटेड जो है बुक्स जो है रिकमेंड किया है। जो लोग इस कार्यक्रम में आते हैं या कार्यक्रम के भाग बनते हैं उनके लिए आपको बता दूं, जैसे बहुत सारी की, जैसे कुछ किताबें ऐसी हैं जो एकदम अनुपलब्ध है मार्केट में प्रकाशन विभाग का, जैसे एक किताब थी वो कई लेखकों का प्रबंध था, उसमें इतिहासकारों का था, वो सारे जो मटेरियल्स हैं या जो आधुनिक किसी टॉपिक पे ICHR का कोई रिसर्च है, उन सब रिसर्चों के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपको वहां पे अपडेट करते रहें। तो निश्चित है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस बैच में आइए, निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। और अभी जैसा कि सर ने बताया है कि प्रोसेस, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो व्हाट्सएप नंबर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे 8112378577 हिस्ट्री ऑफ क्लिक करके, और जैसे ही आपका मैसेज आएगा वो जो है क्या कहते हैं कि यहां हमारी जो टेक्निकल टीम है आपको सपोर्ट करेगी, आपसे बात करेगी,
और फिर रेगुलर क्लासेस जो 3 दिन का जो एडमिशन खुला हुआ है उसके बाद 1 दिन का जो टेक्निकल डिफरेंस है 1 दिन का ब्रेक रहेगा और उसके बाद फिर जैसे रेगुलर क्लासेस चलती हैं रेगुलर क्लासेस चलेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कार्यक्रम से बहुत 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 लाभ होगा और जो परफॉर्मेंस होगी आपकी बहुत बढ़िया होगी। ओके, थैंक यू।